यदि आपने SBI लाइफ इंश्योरेंस का स्मार्ट हमसफर पॉलिसी को ले रखा है और आप जानना चाहते हैं कि पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। इस वीडियो में मैं आपको SBI लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए कैलकुलेटर का प्रयोग करना सिखाऊंगा, जिसका प्रयोग करके आप यह आसानी से पता कर सकते हैं कि पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर आपको कितना पैसा मिलेगा। आप सभी के सामने SBI लाइफ का वह पेज जिसमें हमें स्मार्ट हमसफर पॉलिसी से संबंधित पूरी जानकारी दी गई है ओपन हो रखा है। इस पेज को ओपन करने का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप इस पेज को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। इस पेज को ओपन करने के बाद जब हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें वह कैलकुलेटर जिसकी सहायता से हम सीखेंगे कि पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर हमें कितना पैसा मिलेगा मिल जाता है। जब आपने स्मार्ट हम सफर पॉलिसी को लिया तो SBI लाइफ इंश्योरेंस द्वारा आपको एक बॉन्ड दिया गया, उस बॉन्ड में आपकी पॉलिसी से संबंधित सारी जानकारी दी हुई होती है। आपको अपनी पॉलिसी से संबंधित जानकारी को बढ़िया से पढ़ना है और इस कैलकुलेटर में जो भी जानकारी आपके पॉलिसी से संबंधित पूछी गई है उसको सही सही भरना होता है। सबसे पहले हमसे नाम पूछा गया है, हम नाम टाइप कर देंगे, स्पाउज नेम में पत्नी का नाम टाइप कर देंगे और उनका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा नीचे आने पर हमसे पॉलिसी टर्म के बारे में पूछा जाता है, आपका जो भी पॉलिसी टर्म है आपको उसका चुनाव कर लेना है। उसके नीचे हमसे प्रीमियम ऑप्शन के बारे में पूछा जाता है कि आप प्रीमियम का भुगतान कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन होता है, जो भी आपका प्रीमियम फ्रीक्वेंसी है आप उसका चुनाव कर लेंगे। हमारे केस में हम ईयरली प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं तो हम ईयरली वाला ही ऑप्शन रहने देंगे। सम अश्योर्ड बीमा की राशि होती है, आपका जो भी बीमा का राशि है आपको इस बॉक्स में उस राशि को टाइप करना होता है। उसके बाद थोड़ा नीचे आने पर हमसे राइडर ऑप्शन के बारे में पूछा जाता है, पॉलिसी लेते समय यदि राइडर ऑप्शन मिलता है तो इसका चुनाव हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि राइडर ऑप्शन किसी दुर्घटना की स्थिति में आपके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से अहम माना जाता है। यदि हम राइडर वाले ऑप्शन में यस का चुनाव करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आपने राइडर ऑप्शन किसके लिए लिया, सिर्फ अपने लिए लिया या फिर सिर्फ अपनी पत्नी के लिए लिया या फिर आपने दोनों के लिए राइडर ऑप्शन का चुनाव किया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा टर्म फॉर ADB राइडर का होता है, जैसा कि हमारा पॉलिसी टर्म 15 साल का है तो हमने राइडर भी 15 साल के लिए लिया। राइडर का सम अश्योर्ड हमने पूरा 5 लाख का लिया। यहाँ पर हमने दोनों लाइफ के लिए राइडर ऑप्शन का चुनाव किया है, इसलिए हमें यहाँ स्पाउज वाले ऑप्शन से भी अपने पॉलिसी टर्म को जो कि 15 साल है उसको सिलेक्ट करना होगा और सम अश्योर्ड इनके ऊपर भी हमने 5 लाख रुपए का लिया। उसके बाद अब हमें कैलकुलेट पर क्लिक करना है, हमारे सामने सक्सेस का मैसेज आ जाता है। क्लोज वाले बटन पर क्लिक करना है, राइट हैंड साइड में आपकी पॉलिसी से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाती है। जैसा कि पॉलिसी लेते समय हमारे द्वारा सम अश्योर्ड 5 लाख का लिया गया था, 5 लाख का इंश्योरेंस पति के ऊपर और 5 लाख का इंश्योरेंस पत्नी के ऊपर, दोनों के ऊपर पूरे 15 साल के लिए चलेगा। ईयरली प्रीमियम के रूप में 36,745 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 साल का है और जैसे ही पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है और मिलने वाला बोनस यदि 4% के हिसाब से मिलता है तो मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में 6,46,625 रुपये का भुगतान किया जाएगा और यदि बोनस 8% के हिसाब से मिलता है तो मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में 8,19,125 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यदि हम इस पॉलिसी में बात पैसों की करें तो बेशक पैसा अपने को थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन जब पॉलिसी लेते समय हम राइडर ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो आपके और आपकी पत्नी के ऊपर, दोनों के ऊपर जितने का आपने राइडर ऑप्शन लिया और जितने का आपने बेसिक सम अश्योर्ड लिया उतने का इंश्योरेंस पूरा 15 साल तक चलता रहता है। उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप कैलकुलेटर का प्रयोग करना सीख गए होंगे। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ।
जब तक के लिए आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।